माँ भारती को प्रणाम हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को राम राम हम तो चल दिए हमारे संकट मोचन महा प्रतापी महावीर महापराक्रमी पवन पुत्र हनुमान सीता मैया की खोज में लंकापुरी की ओर वहां क्या क्या हुआ जानने के लिए सुनते हैं ऋषि वाल्मीकि कृत रामायण का श्री गणेशाय नमः ॐ श्रीसरस्वते नमः ॐ श्री हनुमते नमः ॐ गुरुवे नमः श्री राम शरणागतम श्री सीताराम राम चंद्राभ्याम नम श्रीमद वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड उन्तालीसवां सर्ग मणि लेकर जाते हुए हनुमान जी से सीता का श्री राम आदि को उत्साहित करने के लिए कहना तथा समुद्र तरण के विषय में शंकित हुई सीता को वानरों का पराक्रम बताकर हनुमान जी का आश्वासन देना मणि देने के पश्चात सीता हनुमान जी से बोली मेरे इस चिन्ह को भगवान श्री रामचंद्र जी भली भांति पहचानते हैं इस मणि को देखकर वीर श्री राम निश्चय ही तीन व्यक्तियों का मेरी माता का मेरा तथा महाराज दशरथ का एक साथ ही स्मरण करेंगे तुम पुनः विशेष उत्साह से प्रेरित हो इस कार्य की सिद्धि के लिए जो भावी कर्तव्य हो उसे सोचो वानर शिरोमणि इस कार्य को निभाने में तुम ही प्रमाण हो तुम पर ही सारा भार है तुम इसके लिए कोई ऐसा उपाय सोचो जो मेरे दुख का निवारण करने वाला हो हनुमन तुम विशेष प्रयत्न करके मेरा दुख दूर करने में सहायक बनो तब बहुत अच्छा कहकर सीता जी की आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके वे भयंकर पराक्रमी पवन कुमार नंदिनी के चरणों में मस्तक झुकाकर वहां से जाने को तैयार हुए पवन पुत्र वानर वीर हनुमान को वहां से लौटने के लिए उद्यत जान कुमारी का गला भर आया और वे अश्रु गदगद में बोली, हनुमन, तुम श्री राम और लक्ष्मण दोनों को एक साथ ही मेरा कुशल समाचार बताना और उनका कुशल मंगल पूछना वानर श्रेष्ठ फिर मंत्रियों सहित सुग्रीव तथा अन्य सब बड़े बूढ़े वानरों से धर्मयुक्त कुशल समाचार कहना और पूछना महाबाहु श्री रघुनाथ जी जिस प्रकार इस दुख के समुद्र से मेरा उद्धार करें वैसा ही यत्न तुम्हें करना चाहिए हनुमन यशस्वी रघुनाथ जी जिस प्रकार मेरे जीते जी यहाँ आकर मुझसे मिलें मुझे संभालें वैसी ही बातें तुम उनसे कहो और ऐसा करके वाणी के द्वारा धर्माचरण का फल प्राप्त करो यूं तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम सदा ही उत्साह से भरे रहते हैं तथापि मेरी कही हुई बातें सुनकर मेरी प्राप्ति के लिए उनका पुरुषार्थ और भी बढ़ेगा तुम्हारे मुख से मेरे संदेश से युक्त बातें सुनकर ही वीर रघुनाथ जी पराक्रम करने में विधिवत अपना मन लगाएंगे सीता की यह बात सुनकर पवन कुमार हनुमान ने माथे पर अंजलि बांधकर विनय विनयपूर्वक उनकी बात का उत्तर दिया देवी जो युद्ध में सारे शत्रुओं को जीतकर आपके शोक का निवारण करेंगे वे ककुत्स कुलभूषण भगवान श्री राम श्रेष्ठ वानरों और भालुओं के साथ शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे मैं मनुष्यों असुरों अथवा देवताओं में भी किसी को ऐसा नहीं देखता जो बाणों की वर्षा करते हुए भगवान श्री राम के सामने ठहर सके भगवान श्री राम विशेषतः आपके लिए तो युद्ध में सूर्य इंद्र और सूर्य पुत्र यम का भी सामना कर सकते हैं समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को भी जीत लेने योग्य हैं। जनक नंदिनी आपके लिए युद्ध करते समय श्री रामचंद्र जी को निश्चय ही विजय प्राप्त होगी हनुमान जी का कथन युक्ति युक्त सत्य और सुंदर था उसे सुनकर जनक नंदिनी ने उनका बड़ा आदर किया और वे उनसे फिर कुछ कहने को उद्यत हुई तदनंतर वहां से प्रस्थित हुए हनुमान जी की ओर बार बार देखती हुई सीता ने सौहार्दवश स्वामी के प्रति स्नेह से युक्त सम्मानपूर्ण बात कही शत्रुओं का दमन करने वाले वीर यदि तुम ठीक समझो तो यहां एक दिन किसी गुप्त स्थान में निवास करो इस तरह एक दिन विश्राम करके कल चले जाना वानर वीर तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंद भागिनी के महान शोक का थोड़ी देर के लिए निवारण हो जाएगा कपिश्रेष्ठ विश्राम के पश्चात यहां से यात्रा करने के अनंतर यदि फिर तुम लोगों के आने में संदेह या विलंब हुआ तो मेरे प्राणों पर भी संकट आ जाएगा इसमें संशय नहीं है वानर वीर मैं दुख पर दुख उठा रही हूं तुम्हारे चले जाने पर तुम्हें न देख पाने का शोक मुझे पुनः दग्ध करता हुआ सा संताप देता रहेगा वीर वानरेश्वर तुम्हारे साथी रीछों और वानरों के विषय में मेरे सामने अब भी यह महान संदेह तो विद्यमान ही है कि वे रीच और वानरों की सेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण इस दुष्पार महासागर को कैसे पार करेंगे इस संसार में समुद्र को लांघने की शक्ति तो केवल तीन प्राणियों में ही देखी गई है तुम में गरुण में अथवा वायु देवता में वीर इस प्रकार इस समुद्र लंघन रूपी कार्य को निभाना अत्यंत कठिन हो गया है ऐसी दशा में तुम्हें कार्य सिद्धि का कौन सा उपाय दिखाई देता है यह बताओ क्योंकि कार्य सिद्धि का उपाय जानने वाले लोगों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो शत्रुवीरों का संहार करने वाले पवन कुमार इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे उद्धार रूपी कार्य को सिद्ध करने में पूर्णतः समर्थ हो परंतु ऐसा करने से जो विजय रूप फल प्राप्त होगा उसका यश केवल तुम ही को मिलेगा भगवान श्री राम को नहीं यदि रघुनाथ जी सारी सेना के साथ रावण को युद्ध में पराजित करके विजयी हो मुझे साथ ले अपनी पुरी को पधारें तो वह उनके अनुरूप कार्य होगा शत्रु सेना का संहार करने वाले श्री राम यदि अपनी सेनाओं द्वारा लंका को पद दलित करके मुझे अपने साथ ले चले तो वही उनके योग्य होगा तथा तुम ऐसा उपाय करो जिससे समर शूर महात्मा श्री राम का उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो देवी सीता की उपर युक्त बात अर्थयुक्त स्नेह युक्त तथा युक्ति युक्त थी उनकी उस अवशिष्ट बात को सुनकर हनुमान जी ने इस प्रकार उत्तर दिया देवी वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव सत्यवादी हैं वे आपके उद्धार के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं विदेह नंदिनी उनमें राक्षसों का संहार करने की शक्ति है वे सहस्त्रों कोटि वानरों की सेना साथ लेकर शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे उनके पास पराक्रमी धैर्यशाली महाबली और मानसिक संकल्प के समान बहुत दूर तक उछल कर जाने वाले बहुत से वानर हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा तैयार रहते हैं जिनकी ऊपर नीचे तथा इधर उधर कहीं भी गति नहीं रुकती वे बड़े से बड़े कार्यों के आपड़ने पर भी कभी हिम्मत नहीं हारते उनमें महान तेज है उन्होंने अत्यंत उत्साह से पूर्ण होकर वायुपथ आकाश का अनुसरण करते हुए समुद्र और पर्वतों सहित इस पृथ्वी की अनेक बार परिक्रमा की है सुग्रीव की सेना में मेरे समान तथा मुझसे भी बढ़कर पराक्रमी वानर हैं उनके पास कोई भी ऐसा वानर नहीं है जो बल पराक्रम में मुझसे कम हो जब मैं ही यहाँ आ गया तब अन्य महाबली वीरों के आने में क्या संदेह है जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हें संदेशवाहक दूत बनाकर नहीं भेजा जाता साधारण कोटि के लोग ही भेजे जाते हैं अतः देवी आपको संताप करने की आवश्यकता नहीं है आपका शोक दूर हो जाना चाहिए वानर यूथपति एक ही छलांग में लंका पहुंच जाएंगे उदय काल के सूर्य और चंद्रमा की भांति शोभा पाने वाले और महान वानर समुदाय के साथ रहने वाले वे दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ आप पहुंचेंगे वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर श्री राम और लक्ष्मण एक साथ आकर अपने सहायकों से लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे वरारोहे रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रघुनाथ जी रावण को उसके सैनिकों सहित मारकर आपको साथ ले अपनी पुरी को लौटेंगे इसलिए आप धैर्य धारण करें आपका कल्याण हो आप समय की प्रतीक्षा करें प्रज्जवलित अग्नि के समान तेजस्वी श्री रघुनाथ जी आपको शीघ्र ही दर्शन देंगे पुत्र मंत्री और बंधु बांधवों सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी से उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती है देवी मिथिलेश कुमारी आप शीघ्र ही अपने शोक का अंत हुआ देखेंगी आपको यह भी दृष्टिगोचर होगा कि श्री रामचंद्र जी ने रावण को बलपूर्वक मार डाला है विदेह नंदिनी सीता को इस प्रकार आश्वासन दे पवन कुमार हनुमान जी वहां से लौटने का निश्चय करके उनसे फिर बोले देवी आप शीघ्र ही देखेंगी कि शुद्ध हृदय वाले शत्रुनाशक श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुंचे हैं नक और दाढ़ ही जिनके अस्त्र शस्त्र हैं तथा जो सिंह और व्याघ्र के समान पराक्रमी एवं गजराजों के समान विशालकाय हैं ऐसे वानरों को भी आप शीघ्र ही एकत्र हुआ देखेंगी आर्य पर्वत और मेघ के समान विशालकाय मुख्य मुख्य वानरों के बहुत से झुंड लंकावर्ती मलय पर्वत के शिखरों पर गर्जते दिखाई देंगे श्री रामचंद्र जी के मर्म स्थल में कामदेव के भयंकर बाणों से चोट पहुंची है इसलिए वे सिंह से पीड़ित हुए गजराज की भांति चैन नहीं पाते हैं देवी आप शोक के कारण रोदन न करें आपके मन का भय दूर हो जाए शोभने जैसे शची देवराज इंद्र से मिलती हैं उसी प्रकार आप अपने पति देव से मिलेंगी भला श्री रामचंद्र जी से बढ़कर दूसरा कौन है तथा लक्ष्मण जी के समान भी कौन हो सकता है अग्नि और वायु के तुल्य तेजस्वी वे दोनों भाई आपके आश्रय हैं। आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए देवी राक्षसों द्वारा सेवित इस अत्यंत भयंकर देश में आपको अधिक दिनों तक नहीं रहना पड़ेगा आपके प्रियतम के आने में विलंब नहीं होगा जब तक मेरी उनसे भेंट न हो उतने समय तक के विलंब को आप क्षमा करें इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में उन्तालीसवां सर्ग पूरा हुआ निश्चय प्रेम प्रती विनय करें सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। चालीसवां सर्ग सीता का श्रीराम से कहने के लिए पुनः संदेश देना तथा हनुमान जी का उन्हें आश्वासन दे उत्तर दिशा की ओर जाना वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी का वचन सुनकर देव कन्या के समान तेजस्विनी सीता ने अपने हित के विचार से इस प्रकार कहा वानर वीर, तुमने मुझे बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया है तुम्हें देखकर हर्ष के मारे मेरे शरीर में रोमांच हो आया है ठीक उसी तरह जैसे वर्षा का पानी पड़ने से आधी जमी हुई खेती वाली भूमि हरी भरी हो जाती है मुझ पर ऐसी दया करो जिससे मैं शोक के कारण दुर्बल हुए अपने अंगों द्वारा नरश्रेष्ठ श्री राम का प्रेम पूर्वक स्पर्श कर सकूं। वानर श्रेष्ठ श्री राम ने क्रोधवश जो कौवे की एक आंख को फोड़ने वाली सीख का बाण चलाया था उस प्रसंग की तुम पहचान के रूप में उन्हें याद दिलाना मेरी ओर से यह भी कहना कि प्राणनाथ पहले की उस बात को भी याद कीजिए जबकि की मेरे कपोल में लगे हुए तिलक के मिट जाने पर आपने अपने हाथ से मैंसल का तिलक लगाया था महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी प्रियतम आप बलवान होकर भी अपहृत होकर राक्षसों के घर में निवास करने वाली मुझ सीता का तिरस्कार कैसे सहन करते हैं निष्पाप प्राणेश्वर इस दिव्य चूड़ा मणि को मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखा था और संकट के समय इसे देखकर मानो मुझे आपका ही दर्शन हो गया हो इस तरह मैं हर्ष का अनुभव करती थी समुद्र के जल से उत्पन्न हुआ यह कांतिमान मणि रत्न आज आपको लौटा रही हूं अब शोक से आतुर होने के कारण मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकूंगी दुस्सह दुख हृदय को छेदने वाली बातें और राक्षसियों के साथ निवास यह सब कुछ मैं आपके लिए ही सह रही हूं राजकुमार शत्रुसूदन मैं आपकी प्रतीक्षा में किसी तरह एक मास तक जीवन धारण करूंगी इसके बाद आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगी यह राक्षस राज रावण बड़ा क्रूर है मेरे प्रति इसकी दृष्टि भी अच्छी नहीं है अब यदि आपको भी विलंब करते सुन लूंगी तो मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती सीता जी के यह आंसू बहाते कहे हुए करुणाजनक वचन सुनकर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी बोले देवी मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि श्री रघुनाथ जी आपके शोक से ही सब कामों से विमुख हो रहे हैं श्री राम के शोकातुर होने से लक्ष्मण भी बहुत दुखी रहते हैं अब किसी तरह आपका दर्शन हो गया इसलिए रोने धोने या शोक करने का अवसर नहीं रहा भामिनी अब इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगी वे दोनों भाई पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण सर्वत्र प्रशंसित वीर हैं आपके दर्शन के लिए उत्साहित होकर वे लंकापुरी को भस्म कर डालेंगे विशाल लोचने राक्षस रावण को सम्रांगण में उसके बंधु बांधवों सहित मारकर वे दोनों रघुवंशी बंधु आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे सती साध्वी देवी जिसे श्री रामचंद्र जी जान सके और जो उनके हृदय में प्रेम एवं प्रसन्नता का संचार करने वाली हो ऐसी कोई और भी पहचान आपके पास हो तो वह उनके लिए आप मुझे दें। तब सीता जी ने कहा कपिश्रेष्ठ मैंने तुम्हें उत्तम से उत्तम पहचान तो दे ही दी वीर हनुमन इसी आभूषण को यत्न पूर्वक देख लेने पर श्री राम के लिए तुम्हारी सारी बातें विश्वसनीय हो जाएंगी उस श्रेष्ठ मणि को लेकर वानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान देवी सीता को सिर झुका प्रणाम करने के पश्चात वहां से जाने को उद्यत हुए वानर युद्धपति महावेगशाली हनुमान को वहां से छलांग मारने के लिए उत्साहित हो बढ़ते देख जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बहने लगी वे दुखी हो अश्रु वाणी में बोली हनुमन सिंह के समान पराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से तथा मंत्रियों सहित सुग्रीव एवं अन्य सब वानरों से मेरा कुशल मंगल कहना महाबाहु श्री रघुनाथ जी को तुम्हें इस प्रकार समझाना चाहिए जिससे वे दुख के इस महासागर से मेरा उद्धार करें, वानरों के प्रमुख वीर मेरा यह दुस्सह शोक वेग और इन राक्षसों की यह डांट डपट भी तुम श्रीराम के समीप जाकर कहना जाओ तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो राजकुमारी सीता के उक्त अभिप्राय को जानकर कपिवर हनुमान ने अपने को कृतार्थ समझा और प्रसन्न चित्त होकर थोड़े से शेष रहे कार्य का विचार करते हुए वहां से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया इस प्रकार श्री वाल्मीकि के निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में चालीसवां सर्ग पूरा हुआ निश्चय प्रेम प्रती थे विनय करे सनमान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान इकतालीसवा सर्ग हनुमान जी के द्वारा प्रमदा वन अशोक वाटिका का विध्वंस जी से उत्तम वचनों द्वारा समादर पाकर वानर वीर हनुमान जी जब वहां से जाने लगे तब उस स्थान से दूसरी जगह हटकर वे इस प्रकार विचार करने लगे मैंने कजरारे नेत्रों वाली सीता जी का दर्शन तो कर लिया अब मेरे इस कार्य का थोड़ा सा अंश शत्रु की शक्ति का पता लगाना शेष रह गया है इसके लिए चार उपाय हैं: साम दान भेद और दंड यहाँ साम आदि तीन उपायों को लांघकर कर केवल चौथे उपाय दंड का प्रयोग ही उपयोगी दिखाई देता है राक्षसों के प्रति साम नीति का प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं होता इनके पास धन भी बहुत है अतः इन्हें दान देने का भी कोई उपयोग नहीं है इसके सिवा ये बल के अभिमान में चूर रहते हैं अतः भेद नीति के द्वारा भी इन्हें वश में नहीं किया जा सकता ऐसी दशा में मुझे यहाँ पराक्रम दिखाना ही उचित जान पड़ता है इस कार्य की सिद्धि के लिए पराक्रम के सिवा यहाँ और किसी उपाय का अवलंबन ठीक नहीं जचता यदि युद्ध में राक्षसों के मुख्य मुख्य वीर मारे जाएं, तो ये लोग किसी तरह कुछ नरम पड़ सकते हैं जो पुरुष प्रधान कार्य के संपन्न हो जाने पर दूसरे दूसरे बहुत से कार्यों को भी सिद्ध कर लेता है और पहले के कार्यों में बाधा नहीं आने देता वही कार्य को सुचारू रूप में कर सकता है छोटे से छोटे कर्म की भी सिद्धि के लिए कोई एक ही साधक हेतु नहीं हुआ करता जो पुरुष किसी कार्य या प्रयोजन को अनेक प्रकार से सिद्ध करने की कला जानता हो वही कार्य साधन में समर्थ हो सकता है यदि इसी यात्रा में मैं इस बात को ठीक ठीक समझ लूं, कि अपने और शत्रु पक्ष में युद्ध होने पर कौन प्रबल होगा और कौन निर्बल तत्पश्चात भविष्य के कार्य का भी निश्चय करके आज सुग्रीव के पास चलूं तो मेरे द्वारा स्वामी की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन हुआ समझा जाएगा परंतु आज मेरा यहाँ तक आना सुखद अथवा शुभ परिणाम का जनक कैसे होगा राक्षसों के साथ हठात युद्ध करने का अवसर मुझे कैसे प्राप्त होगा तथा दशमुख रावण समर में अपनी सेना को और मुझे भी तुलनात्मक दृष्टि से देखकर कैसे यह समझ सकेगा कि कौन सबल है उस युद्ध में मंत्री सेना और सहायकों सहित रावण का सामना करके मैं उसके हार्दिक अभिप्राय तथा सैनिक शक्ति का अनायास ही पता लगा लूंगा उसके बाद यहां से जाऊंगा इस निर्दयी रावण का यह सुंदर उपवन नेत्रों को आनंद देने वाला और मनोरम है नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त होने के कारण यह नंदन वन के समान उत्तम प्रतीत होता है जैसे आग सूखे वन को जला डालती है उसी प्रकार मैं भी आज इस उपवन का विध्वंस कर डालूंगा इसके भग्न हो जाने पर रावण अवश्य मुझ पर क्रोध करेगा तत्पश्चात वह राक्षस राज हाथी घोड़े तथा विशाल रथों से युक्त और त्रिशूल कालायस एवं पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बहुत बड़ी सेना लेकर आएगा फिर तो यहाँ महान संग्राम छिड़ जाएगा उस युद्ध में मेरी गति रुक नहीं सकती मेरा पराक्रम कुंठित नहीं हो सकता मैं प्रचंड पराक्रम दिखाने वाले उन राक्षसों से भिड़ जाऊंगा और रावण की भेजी हुई उस सारी सेना को मौत के घाट उतार कर सुखपूर्वक सुग्रीव के निवास स्थान किश्किधापुरी को लौट जाऊंगा। ऐसा सोचकर भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाले पवन कुमार हनुमान जी क्रोध से भर गए और वायु के समान बड़े भारी वेग से वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे तदनंतर वीर हनुमान ने मतवाले पक्षियों के कलरव से मुखरित और नाना प्रकार के वृक्षों एवं लताओं से भरे पूरे उस प्रमदावन अंतपुर के उपवन को उजाड़ डाला वहां के वृक्षों को खंड खंड कर दिया जलाशयों को मत डाला और पर्वत शिखरों को चूर चूर कर डाला इससे वह सुंदर वन कुछ ही क्षणों में अभव्य दिखाई देने लगा नाना प्रकार के पक्षी वहां भय के मारे चें करने लगे जलाशयों के घाट टूट फूट गए तामे के समान वृक्षों के लाल लाल पल्लव मुरझा गए तथा वहां के वृक्ष और लताएं भी रौंद डाली गईं इन सब कारणों से वह प्रमदावन वहां ऐसा जान पड़ता था मानो दावानल से झुलस गया हो वहाँ की लताएं अपने आवरणों के नष्ट भ्रष्ट हो जाने से घबराई हुई स्त्रियों के समान प्रतीत होती थीं। लता मंडप और चित्रशालाएं उजाड़ हो गईं। पाले हुए हिंसक जंतु मृग तथा तरह तरह के पक्षी आर्तनाद करने लगे प्रस्तर निर्मित प्रासाद तथा अन्य साधारण गृह भी तहस नहस हो गए इससे उस महान प्रमदावन का सारा रूप सौंदर्य नष्ट हो गया। दशमुख रावण की स्त्रियों की रक्षा करने वाले तथा के के क्रीडा विहार के लिए उपयोगी उस विशाल कानन की भूमि जहां चंचल अशोक लताओं के समूह शोभा पाते थे कपिवर हनुमान जी के बल प्रयोग से श्रीहीन होकर शोचनीय लताओं के विस्तार से युक्त हो गई उसकी दुर्वस्था देखकर दर्शक के मन में दुख होता था इस प्रकार महामना राजा रावण के मन को विशेष कष्ट पहुंचाने वाला कार्य करके अनेक महाबलियों के साथ अकेले ही युद्ध करने का हौसला लेकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी प्रमदावन के फाटक पर आ गए उस समय वे अपने अद्भुत तेज से प्रकाशित हो रहे थे इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में इकतालीसवां सर्ग पूरा हुआ निश्चय प्रेम प्रती विनय करे सनमान मेह के कारज सकल शुभ सिद्ध। करे हनुमा